आर्थिक राजधानी, यह मुंबई की पहचान। इस शहर में करीबन 1.25 करोड़ की आबादी है। उसमें से 80% लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इन मूलभूत सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं पानी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस आवश्यकता को मानव अधिकार का हिस्सा बनाते हुए स्पष्ट किया था कि व्यक्तिगत तथा घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त रूप में साफ, सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध कराया गया पानी हर एक इंसान का मानव अधिकार है। आम जनता को पानी देने की जिम्मेदारी ये मुंबई महानगर पालिका की है। ये मुंबई महानगर पालिका की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी यहाँ के संविधान ने उसको दी हुई जिम्मेदारी है। मुंबई में पानी की वितरण व्यवस्था एक बड़ी एकदम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। पहले हमारे जल स्रोत है और वो पूरा पानी दोनों एमबीआर में से बम्बई की तरफ लाया जाता है और उसके लिए बहुत बड़ी यंत्रणा कार्यरत है। इसके लिए अबाउट 4000 किलोमीटर की हमारी पाइपलाइन है। सवाल ये है कि पानी के पाइपलाइन आए इसका मतलब पानी आया, ये नहीं होता है। पानी तो रिश्ता हमारा नहीं, बारीक करगड़े वाली पानी सोड़ते थे। ना पानी है ही नहीं, ना चोरी के नल में, ना मीटर वाले नल में, ना किसी में, काय में पानी है ही नहीं। और ऊपर से पाइपलाइन सब टूटी हुई है, किसी किसी के घर में तो गटर का पानी आता है। वो भी हम लोग भरने को तैयार है, वापरते ड्राम में भर लेते हैं। 8:15 से 10 बजे तक पानी रहता है, वो भी कभी कभी रहता, कभी कभी तो वो भी नहीं रहता। पानी बिना तड़प रहा है सब। ताजे मुझे जॉब ला जाणार महिला आहे, त्यांच्यासाठी खूपच प्रॉब्लेम झाला, काय करणार, तर जॉब सोडावा लागलेला आहे। खूप पाणी नाही आलं, आम्ही बाथरूम वाथरूम काही भी नाही जाने मिळत। सर मुझे ते पूरे एक हिस्से में दर्द होता है, डॉक्टर बोलता है ना पानी हंडे मत उठा हुआ सर। क्योंकि बावड़ी का पानी इतना दूषित है, उसको नहाने से सब लोग बाल झड़ते हैं और छोटी छोटी बूंदी शरीर में होते हैं, बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं। हम जो भारत लो पानी के नहीं आता, गटर आवाज़ हमें पाइप खोलन पानी भरते हैं। पानी की समस्या पर हम लोगों ने आम लोगों की राय ली, इसी समस्या पर हम अधिकारियों की राय लेंगे। जी वार्ड में तो धारावी एरिया में थोड़ा कंटेमिनेशन का, क्योंकि वो स्लम में यही प्रॉब्लम होता है कि लोग वो टेम्परिंग करते हैं, उसके ऊपर पंप बिठाते हैं, या हमारा पानी का सप्लाई नहीं है तभी भी वो पाइपलाइन में से पानी निकाल लेते हैं। अगर चोरी होती है तो उसको वो लोग देखें, हम लोग भी देखें, हमारा दोनों का फर्ज बनता है। पानी का जो डिपार्टमेंट है काम कर रहे हैं उसमें 400 लोगों को आज, मतलब जो भर्ती है 400 लोगों की अभी तक नहीं हुई है, 700 के ऊपर लोग यहाँ चाहिए, तो जो है वो स्टाफ कमती कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। इसके वजह से पूरे शहर में पानी के व्यवस्थापन के ऊपर बहुत असर हो रहा है। इस प्रकार से पानी की वितरण व्यवस्था को दुर्लक्ष करके, उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाकर वितरण संस्था को निजीकरण करने की साजिश तो नहीं? ये जो निजीकरण का जो एक प्रयोग है, ये के पूर्व विभाग जो ईस्ट है, ये के पूर्व विभाग में होने वाला है और उसके बाद में वो पूरे मुंबई में उसको वापस से रिप्लिकेट करेंगे। उसके आधार पे जो विरोध होना चाहिए, वो विरोध या उसको समझ जो बढ़ानी चाहिए, उसके लिए के पूर्व के स्तर पर के पूर्व नागरिक मंच करके एक मंच की स्थापना हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमें यहाँ संपर्क करें, हमारी आवाज युवा सेंटर, सेक्टर 7, प्लॉट नंबर 23, खारघर, नई मुंबई। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब आशीष।